एचडीएफसी के रिजल्ट की हम बात करेंगे। एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला था और आपको बता दें कि इसको चौथी तिमाही का ये रिजल्ट था। 4790 करोड़ मुनाफे का अनुमान था और क्वार्टर फोर मुनाफा 3990 करोड़ से बढ़कर 4799 करोड़ हो गया है वाईओवाई। तो चौथी तिमाही में मुनाफा 4799 करोड़ एचडीएफसी का रहा है। कि आप अनुमान की बात की जाए तो 4790 करोड़ का अनुमान था। टीएस हरियर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या लगता है कि नतीजे जो आए हैं अनुमान के मुताबिक हैं एचडीएफसी के? स्लाइटली बेटर क्योंकि आई थिंक एस्टिमेट देखो 4600 से 4700 तक के एस्टिमेट से जनरली मार्केट में, तो आई थिंक जो फाइनली 4800 के आसपास आया जो कि एस्टिमेट स्लाइटली बेटर है। बट आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आप क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ देखोगे, आई थिंक दैट ग्रोथ इज एक्चुअली बीन अबाउट 22-23%। सो आई थिंक दैट इज एक्चुअली इन लाइन विद व्हाट एचडीएफसी इज शोइंग इन द पास्ट। एनपीए भी मार्जिनली सर बढ़ा है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? ये क्वार्टर में लगभग आई थिंक सारे फाइनेंशियल्स के प्रॉब्लम है, खास करके जो होम फाइनेंस पोर्टफोलियो है उसमें डेफिनेटली आई थिंक कुछ हद तक डिफॉल्ट बढ़े हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत ही मार्जिनल चेंज है। आई डोंट थिंक इससे इनका पोर्टफोलियो साइज उतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और क्या आप निवेशकों को क्या राय देंगे सर? देखिए, ये एक मार्केट परफॉर्मर है, आपको जब भी साल में 16-18% कमाना है तो आई थिंक एचडीएफसी में डाल सकते हैं। ये कभी कोई आउट परफॉर्मर बनना मुश्किल है क्योंकि इतना साइज है और एक मैच्योर इंडस्ट्री में, बट डेफिनेटली एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आप सेफली पार्क कर सकते हो। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर हरियर हमसे बात करने के लिए। तो टीएस हरियर कह रहे कि अनुमान के मुताबिक ही है नतीजे, अगर कहे जाए थोड़ा बेटर है। 4799 करोड़ 3990 करोड़ से बढ़कर 4799 करोड़, करीब 20%। और ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.30 एनपीए रहा है एचडीएफसी का। और जैसे कि हरियर जी कह रहे थे कि लगातार अच्छा मुनाफा देता रहा है एचडीएफसी बैंक, और इस लिहाज से नतीजे भी अनुमान के मुताबिक हैं। पूजा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ गए हैं, अनुमान के मुताबिक ही कहे जाएंगे? हाँ, अनुमान के मुताबिक तो कहे जाएंगे, लेकिन जो नेट एनपीए के आंकड़े आए हैं वो थोड़े यहाँ पर बढ़े हुए आए हैं। और एनआईएक्स की भी अगर बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कम आए हैं। और एनपीए के आंकड़े यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे वो पता चलेगा कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए। बट इस टाइप 1.3% ये आंकड़ा ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा है। और इंटरसेक्ट बैंक के नतीजों के वक्त भी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ पर एनपीए में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती, क्योंकि क्वार्टर टू में भी एचडीएफसी बैंक ने कुछ अकाउंट्स को लेकर कंसर्न यहाँ पर रेज किए थे। तो इस क्वार्टर नंबर्स अभी भी अवेटेड है कि प्रोविजनिंग को लेकर क्या फिगर है, लेकिन इस वक्त जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है 1.3% वो थोड़ा हमारे जो अनुमान था उससे थोड़ा बढ़कर यहाँ पर आए। तो एनपीए जो मार्जिनली बढ़ा है उसको किस तरह से देखा जाए, इसकी वजह क्या हो सकती है पूजा? जी, क्योंकि क्वार्टर टू में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, क्वार्टर टू में कुछ अकाउंट को लेकर यहाँ पर बैंक ने कंसर्न दिखाया था, लेकिन आगे उस समय ही बैंक ने प्रोविजनिंग भी काफी ज्यादा कर दी थी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना था कि स्पिल ओवर जो है वो आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है, क्वार्टर फोर में भी देखने को मिलेगा। इस वजह से शायद प्रोविजनिंग के आंकड़े भी इस वजह से बढ़े हुए निकल कर आ रहे हैं। इंटरनल अभी भी देखने बाकी है कि किस वजह से ये एनपीए इतना बड़ा है और प्रोविजनिंग जो बड़ी है वो किस कारण हुई है। जो डिटेल्स निकल कर आएंगी बैंक के प्रेस रिलीज में और बैंक की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उससे ज्यादा क्लियरली पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो ग्रॉस एनपीए के आंकड़े एब्सोल्यूट फिगर पे भी जो अगर देखें हम 8600 करोड़ के आंकड़े, ये इतनी उम्मीद नहीं थी, थोड़े बड़े हुए। नेट एनपीए के आंकड़े जरूर थोड़े कम है, लेकिन ग्रॉस एनपीए के आंकड़े जो बड़े हुए हैं ये थोड़ा शायद कंसर्न की बात हो सकती है बैंक के लिए। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि अभी टीएस हरियर हमसे कह रहे थे कि एक रोबस्ट परफॉर्मर रहा एचडीएफसी, तो फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उससे क्या कहा जाए, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है? नहीं, चिंता करने की तो बात नहीं, और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अभी कमेंट्री अवेटेड है, यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये जो बढ़े हुए आंकड़े हैं ये किस वजह से हैं, किन एसेट्स के सामने ये करना पड़ा है, क्योंकि प्रोविजनिंग के आंकड़े अगर आप देखेंगे ना ये काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं।
13 करोड़ के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा आया है वो 1500 करोड़ के आसपास का आया है। तो ये प्रोविजनिंग में जो बढ़त हुई है ये किस कारण से हुई है, जब बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बाकी जो डिटेल्स निकलकर आएगी उससे ही पता चलेगा। और पूजा आप रही हमारे साथ, पूजा आप मेरे साथ बने रहिए। अविनाश गोरक्षक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। HDFC Q4 के नतीजे आ गए हैं, आपके मुताबिक ये अनुमान के हिसाब से ही है जैसा अनुमान था? नहीं बिल्कुल, अनुमान के हिसाब से नंबर आ गए हैं, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में एलिवेटेड आया है। इसका क्या कारण है, वेदर ये एक वन टाइम है या कौन से अकाउंट से आया है, ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी लोन बुक ग्रोथ पे, AUM ग्रोथ पे, एसेट क्वालिटी पे, वो मेरे ख्याल से काफी क्लियरली वॉच रहेगी। मेरे ख्याल से ये मुद्दों पे जब क्लियरिटी आएगी मार्केट्स को, मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ही मेरे ख्याल से मंडे को स्टॉक को ओपन होना चाहिए। बट ओवरऑल नंबर्स आर इन लाइन जी। तो और ग्रॉस NPA जो मार्जिनली बढ़ा है, उससे कुछ दिक्कत की बात है या चिंता करने की बात नहीं है निवेशकों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इंक्रीज हुआ है इतना परेशानी की बात नहीं है। हालांकि ये डेफिनेटली हायर बेस पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंसर्निंग मैटर है, बट इतना भी नहीं कि जिससे कि स्टॉक में कोई भारी बिकवाली या पैनिक का माहौल आए। बट यस, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की क्लियरिटी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि आगे का जो ट्रेजेक्ट्री है वहां पे एसेट क्वालिटी का क्या आउटलुक रहेगा। अगर यहाँ पे भी अगर मैनेजमेंट कहता है कि स्टेबल होने की एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली इसमें आगे मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में कोई सेल ऑफ या कोई गिरावट आएगी। इनफैक्ट मार्केट इसको डेफिनेटली एक अच्छे इनलाइन रिजल्ट के हिसाब से लेगा। क्या राय रहेगी सर मंडे को जब मार्केट खुलेगा? हालांकि बढ़िया परफॉर्मर रहा HDFC, अब रिजल्ट आने के बाद क्या राय रहेगी आपकी निवेशकों के लिए? मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में HDFC बैंक एक फ्रंट लाइन प्लेयर है। हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी, लोन बुक फ्रंट, प्रॉफिट ग्रोथ से ऑलवेज निवेशकों को नंबर्स के पॉइंट पर इसे काफी अच्छी तरह से डिलीवर किया है। तो मेरे ख्याल से होपफुली मार्केट मंडे को जब खुलेंगे तभी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर तो जरूर रहना चाहिए। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके बाद ही मेरे ख्याल से एनालिस्ट और जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पे अपने जो अर्निंग्स फोरकास्ट है वो FY19 के लिए वर्कआउट करेंगे, जो मेरे अनुमान से अच्छी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे बात करने के लिए। अविनाश गोरक्षा ट्रेडर हमसे बात कर रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं, ग्रॉस NPA में थोड़ा सा बढ़ोतरी है वो चिंता की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। पूजा आपने सुना जो कह रहे थे अविनाश, उसके मुताबिक तो यही कहा जाए कि निवेशकों को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जी, जैसा कि वो भी बता रहे थे कि जो प्रोविजनिंग के आंकड़े बढ़े हैं वो थोड़े कंसर्न है और यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि ये जो प्रोविजनिंग की गई है किस तरह के एसेट्स के सामने की गई है, यहाँ पर कोई कंसर्निंग ज्यादा फैक्टर तो नहीं है। जैसे जैसे डिटेल्स निकल कर आएगी तो उस पर ही जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो उसी पर रिएक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए।